थी बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई है? और अगर आ ही गई हो तो वेलकम, लेकिन बचपन के दिनों की तरह हमारी जिंदगी में वापस भूचाल क्यों लाई हो? जैसे तुम दोनों को बड़ा फर्क पड़ रहा है, इस पृथ्वी लैंड पे मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों जिम लैंड से आई हो। मैं तुम दोनों का अभी दिखाती हूँ। जो तो तुम्हारे पीछे कुछ है। कॉकरोच। अरे जरा सोचो, अगर प्रिया और बॉस को पता चल गया कि तुम दोनों जिनलैंड से आए हो, एक चिकू है और दूसरी अपर डबर है, तो मेरा क्या होगा? अरे नौकरी और प्रिया दोनों को खो दूंगा और जोर जोर से रो दूंगा। अरे वाह जूजू, आप तो कविता भी करने लगे। बस बहुत हो गया, मुझे साफ साफ बताओ, ये मुसीबत का पहाड़ जो तुम्हारी जिनलैंड से यहाँ आई है, वो राहुल और चतुर से कैसे मिल गई? देखिए मुझे लगता है कि वो जीनू और मुझसे उखड़ी हुई है। एक्चुअली वो यहाँ पर आई थी हम दोनों से दो दो हाथ करने के लिए, लेकिन हमसे पहले चतुर जी और राहुल मिल गए, तो उसने उन दोनों से हाथ मिला लिया। हाथ मिला लिया तो ऐसे बोलिए जैसे चाय में शक्कर मिला लिया हो। तुम लोग समझते नहीं हो, उन दोनों के साथ मिलकर वो हमारा बैंड बजा सकती है। वो एक मिनट, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से जिंजोरा को तुम दोनों ने बोतल में बंद करके समंदर में फेंक दिया था ना, उसी तरह इसको बोतल में बंद करके मुझे नहीं दे सकते, ताकि मैं उसे समंदर में ऐसे फेंक दूंगा। जूजू आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। अच्छा तुम्हारी गांव वाली है तो नहीं हो सकता, मेरे साथ सब कुछ हो सकता। अरे दुकान जा रहे हो, सॉरी, सब कुछ हो सकता, देखा? विकी प्लीज ऐसा गरीब सा मुंह मत बनाओ, हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते, समझने की कोशिश करो। वो तो सिर्फ मस्ती कर रही है, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, और वैसे भी जिनलैंड के कुछ कायदे हैं, कानून हैं, हम ऐसे किसी को कैद नहीं कर सकते। अरे किस काम का ये कायदा जिसका नहीं कोई फायदा, दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है। जूजू हाँ, क्या दिख रहा है, शादी का मंडप, सजी हुई घोड़ी या फिर मेरी डोली? अरे खाने पड़ेगी मुझे पिया के हाथों गोली, जब उसे पता चलेगा कि तुम दोनों जिनलैंडिस हो। देखो जूजू इतना स्ट्रेस मत लो, देखो हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना है कि हम उन तीनों का गैंग कैसे तोड़े। पर कैसे, एक मिनट, सुनो मेरी बात सुनो, वो तुम्हारी जो वो आई है जिनलैंडिस, तो उसकी कोई कमजोरी तो होगी ना जिसका हम फायदा उठा सकते। सोचो थिंग, प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव। ओए तुम्हारी नहीं उसकी। हेलो, ये हर लड़की की कमजोरी होती है जीजू। सोचो अगर जोधा को एक ऐसा लड़का मिल जाए जो उससे बहुत प्यार करता हो, तो वो चतुर और राहुल की गैंग छोड़ देगी। मतलब हमें इस सिमरन का राज ढूंढना होगा। मिल गया। मैं ऐसे शहजादे को जानती हूँ जिसमें किसी भी लड़की के पीछे बुरी तरह से पढ़ने का पोटेंशियल है, उसके पास डिग्री भी है। कौन? अरे वी फॉर वेला। अरे ये मैं कहाँ आ गया? फर्ज के मैदान में तुझे दोस्ती का फर्ज निभाना होगा मेरे दोस्त। वेला वेला वेला, तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। अरे पहले मेरी हेल्प कर यार, तेरे को याद है मैं कहा करता था कि मैं जिया को पलकों पे बिठा के रखूंगा? आज देख यार, मेरी पलकें इतनी बड़ी हो गई है कि बैठना तो क्या, वो मेरी पलकों पे लेट के गाना भी गा सकती है। अरे यार मैं थक गया हूँ विकी, दिन में अंधेरा छाया हुआ है, कुछ कर, मेरी हेल्प कर मेरे भाई। या आई कैन सी इट, लेट मी फील इट वन सेकंड। हाँ यार तेरे पलके पलके नहीं झाड़ू हो गई है। सच में यार, क्या कर, तेरे पलके पलके नहीं झाड़ू हो गए हैं। ले विश मांग। विश मांगू? ओके टाइम अप पगले। ओके इट्स फुकिंग टाइम, मार फूक। गई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या मांगा था दोस्त? बता दूंगा तो पूरी नहीं होगी बेटा। पूरी हो गई। जिया यू आर अराउंड? Yeah. Ah, I've been missing you so much, so much, yeah. ये तुम तो ठीक कर दो ना। अच्छा ठीक है। Hey,
जिया, थैंक यू सो मच. एक्सक्यूज मी, थैंक यू सो मच. मुझे मालूम था तुम मुझे ज्यादा देर प्रॉब्लम में देख नहीं सकती हो. व्हाट टू डू, तुम बताओ ना क्या हेल्प करनी है. अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हासिल है. स्वीट. यू सी जोधा जी, व्हाट यू से व्हाट आई से इज नो मेकिंग एनी सेंस. व्हाट नॉनसेंस. एग्जैक्टली, लेकिन इज नो प्रॉब्लम. हम सोचते रहेंगे क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं. एज बिकॉज हमें देसी बाय. एज देसी बाय. बाय द वे, तुक्का को हमने बहाना बना के मार्केट भेजा है फिश लाने. अब इससे पहले कि वो फिशिंग ट्रिप से वापस आ जाए, इसको देखे और हमारा चटनी बनाए, कुछ सोचो मेरी. अरे आप फिक्र मत कीजिए चतुर जी, मैं हूँ ना. अरे तभी तो फिक्र कर रहा है, तुम लड़की है, तुमको देखेगा तो क्या हमें बोलो. मैं आ गया. भेल भेल भेला, क्यों आ गया? बाबू मोशाय. गरी कुदरत नहीं, हम भी हैरान है सीनियर सर जी. यू इज बिग चीटिंग एंड फ्लर्टिंग. वैसे तो दिन भर जिया जी के पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं, और आज अचानक से जोधा जी के पीछे उनकी ब्यूटी के गार्डन में फ्लावर उगा रहे हैं ये. अरे हम समझ गए मेरे, ए दुश्मन का गैंग भेजे हैं इसको. ये दुश्मन के गैंग का गोला है जो यहाँ फटने आया है. गोला नहीं, गोली. गोली? अखियों से मारी ऐसी गोली कि तार तार हो गई मेरे दिल की झोली. मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई. दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने. पहले तो मैं वेला था. शायर बनाया आपने. अर्ज किया है नौशाद. अरे नौशाद कहां से बीच में आ गए? इरशाद होते हैं. इरशाद जोधा मेरा नाम है, कोई जूली नहीं. वाह 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 वाह. जोधा है मेरा नाम, कोई जूली नहीं. चीज मैं कोई मामूली नहीं. बा, बा। तुम यहाँ जो हमें बेवकूफ बनाने का ताथा थैया थई करने आए हो. ना 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 ना. हाँ, पता तब चलेगा जब मैं तुम्हारा तारा रारा कर दूँ. अच्छा कैसे? ऐसे बॉयज. बुझाओ मोहब्बत की बत्ती, बुझाओ और जहाँ से आप आए हैं वहीं वापस चले जाओ. वेरी सिंपल. यार ये वेला कहाँ रह गया? सीता गीता, वेला कहाँ है पता करो. खेल क्या खेल रहे हो तुम लोग? ओहो जूजू, हमारे होते खाए को रोते, वेलू आ जाएगा. चल खेलते. अरे ये तो विकी का घर है. विकी, वेला, विकी, इधर. क्या हुआ? अबे तू सर क्यों खुजा रहा है? अच्छा वो छोड़, बता प्लान का क्या हुआ? अरे प्लान की धज्जियां उड़ गई. जोधा को पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे वहाँ भेजा था. अच्छा जूजू, मुझे लगता है जोधा ने वेलू पे सर की खुजली वाला जादू कर दिया है. अगर ये यहाँ से गया नहीं ना तो थोड़ी देर के बाद हम सब ऐसे ही सर खुजलाते रहेंगे. अरे यार प्लीज अपने जादू का इस्तेमाल करो और मुझे इस खुजली से छुटकारा दो. प्लीज जिया, प्लीज. वेला, वेला थोड़ा पीछे. वेला पर इसका एक ही इलाज है. अरे जो करना जल्दी करो यार, लेकिन मुझे बचाओ प्लीज. जिया प्लीज. ओके ओके. थैंक गॉड खुजली एकदम गायब हो गई. विकी तेरा एसी आज कुछ ज्यादा ठंडा कर रहा है. सर एकदम ठंडा ठंडा हो गया यार. मेरे घने काले मुलायम बाल कहाँ गायब हो गए? खुजली के साथ बाल भी चले गए. हेलो सॉरी, पर इस जादू को तोड़ने का बस यही एक रास्ता था. अरे तो क्या अब मैं इस उजड़े चमन और बंजर जमीन के साथ जिंदगी भर जीऊंगा? डोंट वरी वेलू, ये उजड़ा चमन और बंजर जमीन हरी होगी, कल तक बाल आ जाएगी.
और इसकी प्रॉब्लम तो कल सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारी बड़ी वाली प्रॉब्लम का क्या? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सारी रात बैठकर सोचेंगे और जोधा नाम की समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। चलो सब बैठ जाओ। टकलू कम सिट। जेनी तुम श्योर हो ना कि इस प्लान का भी धजिया ना उड़ जाए? मुझ पे यकीन रखो, ये प्लान 100% कामयाब होगा। तुम्हारे मुंह में की शक्कर। सर। हाँ विकी बोलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी सर। किस बारे में? राहुल और चतुर जी के बारे में। हाय स्वीटी पाई। हाय डैड। डॉक्टर अंकल। जीनी। हाय प्रिया मैम। ये क्या कर रही है जीनी? प्रिया के सामने ऐसे? What is this? जीनी तुम यहाँ? Come on प्रिया बेटा, क्या बोल रही हो? ये जीनी नहीं बल्कि ये तो जीनू है। No dad, ये जीनू नहीं है, ये जीनी है। जीनी, वही जीनी जो मेरे विकी के पीछे पड़ी थी, वही जीनी जिसने भूत बनके मुझे सताया था, ये वही जीनी है डैड। ये क्या हो क्या रहा है? आखिर जीनी का प्लान है तो है क्या? प्रिया मैम, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं जीनू हूँ और जीनी भी मैं ही हूँ। What? मैं वही जीनी हूँ जो विकी सर के प्लेन क्रैश के बाद आपको उनके घर पे मिली थी। And for your kind information, तब से मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रहती हूँ। और एक बात, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जीनी हूँ जो जीन लैंड से आई है। यकीन नहीं हो रहा है ना? उड़ के दिखाओ। कैसा रहा? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं हवा में चीजों को उड़ा सकती हूँ और उन्हें गायब भी कर सकती हूँ। देखना है? दिखाओ। दिखाती हूँ। जरूरी बात, आज तक चतुर बाबू ने आपको मेरे बारे में जो भी कुछ कहा है सब सच है। और आपके ऑफिस में जो जिया काम करती है ना, दरअसल वो मेरी बड़ी बहन है, यानी कि वो भी इंसान नहीं है और जिन लैंड से है। और सबसे जरूरी बात, विक्की सर और मैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो प्लीज तुम कबाब में हड्डी मत बनो। ये तुम क्या कर रही हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने क्या बोला? शट अप विकी। विकी, अब तुम्हारे पास कोई जवाब है? बोलो अब। सर मैं ना, तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब बोलो। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और तुम अभी इसी वक्त इस नौकरी से निकाले जाते हो। I hate you, Vicky, I hate you. प्रिया, प्रिया, listen to me. प्रिया। सर, she is absolutely right, Mr. Vicky. नहीं सर। You are fired. सर। कह रहा। सर, सर, डॉक्टर आप तो मुझ पर यकीन करो सर, मैंने कितने इंजेक्शन खाए आपके। अरे छोड़ो। समझ में आया ना? तो मैं पागल हूँ ना चतुर जी,
अरे सबसे बड़ा पागल तो तुम हो, तुम, और साथ में सबसे बड़े धोखेबाज भी, समझे? अरे मेरा काम तो दो वापस। तुम इधर रहो। ये क्या कर रही हो तुम? उनसे जन्म का बदला ले रही हो तुम मुझसे? आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ? अरे मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, इसीलिए। सच्चाई सामने लाना चाहती थी? दोस्त बोलती हो ना मुझे? दोस्त होकर दुश्मन से भी बुरा सलूक किया तुमने मेरे साथ। वो क्या है ना, कभी कभी दोस्त के भेस में दुश्मन भी मिल जाते। मिस्टर विकी? मिस्टर विकी? जोधा तुम कैसी रही विक्की बाबू? हो गया ना तुम्हारा तारा रारा रारा? मुझे पता था जिनी और जिया की ताकत के आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए इस बार मैंने ताकत का नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया और तुम्हारी, उस जिनी की और जिया की, तीनों की पोल खोल दी। मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ओके बाय, दादा सायोनारा। मैं कर दिया तारा रारा। तुम ले नहीं जा सकती, रुक जाओ। क्या हुआ जूजू? जेनी जिया वो कहाँ गई? कौन कहाँ है, जाग जा। वो बापरे, मतलब मैं एक सपना देख रहा था। ऐसा क्या देखा सपने में? मत पूछो जीनी, बहुत ही भयानक सपना था। मैं, लेकिन हाँ, इस सपने से मुझे एक आइडिया जरूर मिल गया। आइडिया? कैसा आइडिया? वो आइडिया जिससे हम जोधा के चाल को नाकामयाब कर सकते हैं। सुनो आइडिया क्या है, इधर। क्या आइडिया बोल भाई? तू रहने दे, बिना बाल के भी तू गधा है। तेरे को मैं एसएमएस कर दूंगा बाद में। चल उधर ही खड़े रहे, तुम लोग इधर आओ, समझे? आ गया एसएमएस, आ गया। आ भी गया? अबे तेरा नहीं आया, बैंक वालों का आया। इंस्टॉलमेंट देनी भूल गया था, फ्रिज उठा के ले जा रहे हैं। जागो मोहन प्यारे, जूजू उठो, सुबह हो गई जूजू, गुड बॉय, क्या चलो चलो उठो। सुबह हो गई? हाँ जूजू। कमाल है, सुबह हो गई और मेरी नींद खुली नहीं। What is this? जरूर सपने में आप मेरी हिरन जैसी आंखों की भूल तलैया में और बैरी बातों की ताल तलैया में खो गए होगे। हो गया तुम्हारा? हाँ। अरे एक तो वैसे ही लेट हो गया हूँ, ऊपर से तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। हमें हमारी प्लानिंग की शुरुआत करनी होगी। एक काम करो, तुम जाओ चतुर जी के यहाँ जाओ, जब तक मैं तैयार हो जाता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ठीक है क्या करें, पूरी बात तो सुनो। वो तुम्हारी महारानी जोधा भाई, वो रहती कहाँ है, उसका आता पता कुछ पता है? ओहो जूजू, टेंशन को पेंशन लेने भेज दो, खबरी जिन है ना उसके पास सारे सवालों का जवाब है। अभी बुलाती हूँ। अब क्या हुआ जिनी, अब मुझे क्यों बुलाया? खबरू, वो क्या है ना, मैंने गोभी के पराठे बनाए, खाओगे? वो क्या है, कुछ काम है इसलिए तो बुलाया। अच्छा मुझे बताओ, इस वक्त जोधा कहाँ मिलेगी? अरे वो तो वहीं मिलेगी, अपने शू हाउस में। अब मैं जाऊँ? ओके थैंक यू बाय। चलो जूजू ये काम तो हो गया, अब दीदू को बुलाती हूँ। दीदू पता है जोधा कहाँ रहती है, ये तो मैंने पता लगा लिया। अब राहुल और चतुर बाबू का टॉक टाइम फुल करना होगा। उन दोनों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारा राज खोलना तो दूर, उसके बारे में बोलना भी भूल जाएंगे। और अगर कोई जिनलैंड से भी आया ना, उसे भी हमारे खिलाफ नहीं भड़का पाएंगे। हाँ छुटकी, और फिर हम जोधा को प्यार से समझाएंगे, क्योंकि हमें तो उससे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हम तो उससे हमेशा दोस्ती करना चाहते थे। हाँ दीदू, और वही हमारे साथ हमेशा शरारत करती रहती थी और फिर वही चिढ़ती थी। एक मिनट, हाँ छुटकी, उल्टा जब वो शरारत करती थी तो हम उसे नजरअंदाज भी कर देते थे। इसी बात पे अर्ज करती हूँ, बचपन की शरारत को भूल जाना ही है अच्छा।
बचपन की शरारत को भूल जाना ही है अच्छा। बड़ी मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में कोई दोस्त सच्चा। वाह 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 वाह। यहाँ घबराहट के मारे मेरी बढ़ती जा रही है टेंशन की डायरी, और तुम्हें सूझ रही है ये पकाओ शायरी। अरे वाह जूजू, आप पर तो मेरी संगत का असर हो गया। हो गया चले। जिल्ले इलाही, आपका हुक्म इस कनीज के सर आंखों पर। जीनू तो इतनी ड्रामेबाज होती जा रही है। चलो ओके बाय जूजू। चल। पांच मिनट बाकी है, थोड़ा और सो लो। मैं दीदू। हाँ, अब ये जोधा का शू हाउस कहाँ है पता नहीं, चल ढूंढते हैं। मानिक मानिक इसके पीछे थोड़ी नहीं है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.